नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी। एक्चुअली हमने एक वीडियो डाला था अभी कल ही, और उसमें हमने बताया था कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है RRB का, वो उसकी जानकारी दी थी हमने। जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है जयपुर में, जिनका PET हुआ था, उसके बारे में जानकारी हमने दी थी। रिजल्ट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा, सर यहाँ का वीडियो बनाइए, इलाहाबाद का वीडियो बनाइए, चंडीगढ़ का बनाइए, मालदा, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमको ये रिक्वेस्ट किया था। तो एक्चुअली हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप खुद से किस तरीके से इस रिजल्ट को देख सकते हो। हर एक जोन का अलग अलग वीडियो बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करके आप खुद से इस रिजल्ट को देख सकते हो, उसी जानकारी को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल ये आता है कि जो ऑफिशियल टेस्ट हुआ है, मतलब फिजिकल टेस्ट हुआ है, उसका ऑफिशियल रिजल्ट है कहाँ। एक्चुअली अभी कोई भी ऑफिशियल रिजल्ट किसी भी वेबसाइट या न्यूज़पेपर में जारी नहीं किया गया है, आप इस बात को जान लीजिए। अभी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ही हो रहा है, और जब तक ये टेस्ट नहीं कंप्लीट होता तब तक इसके ऑफिशियल रिजल्ट के जारी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये जारी होगा। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि फिर ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आया, हमने आपको जो दिखाया क्या वो फेक है। नहीं दोस्तों, फेक रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो फेक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कोई भी जानकारी आपको फेक नहीं देते। अगर हमको कोई चीज़ मिलती है तो उसके ऑथेंटिकेशन के बारे में हम पता लगाते हैं, और जब तक हमको कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक उस जानकारी हम आपके साथ शेयर नहीं करते। जब हमने वो वीडियो डाला तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया कि वो गए ऑफिशियल वेबसाइट पे, इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, मुंबई, पटना, अलग अलग वेबसाइट के जोन को खोल करके जहाँ जहाँ का PET कंप्लीट हो गया है वहाँ वहाँ के लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया, और उनको वेबसाइट पे नहीं मिला। अब नहीं मिला तो उन्होंने हमको मैसेज किया, सर वेबसाइट पे नहीं दिया गया, आपको कहाँ से मिल गया सर। तो एक्चुअली दोस्तों, ये कोई भी टेस्ट का रिजल्ट किसी भी वेबसाइट पे नहीं अपलोड किया गया है अब तक। तो मुझे कहाँ से मिला, मैं ये आपको बताता हूँ। ये जान लीजिए कि अगर आप वेबसाइट पे इसको ढूंढेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं, इसलिए वेबसाइट पे ढूंढ करके टाइम मत वेस्ट करिए। ये वेबसाइट पे आएगा, लेकिन अभी कुछ समय के बाद आएगा, जब सभी जोन्स की PET कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ये वेबसाइट पे शो होगा, और उसके बाद की अगली प्रोसेस जो होगी वो होगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अभी है ये कहाँ, ये जान लीजिए। जो भी रिजल्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का आता है, नॉर्मली क्या होता है, प्रोसीजर क्या है मैं बताता हूँ। जिस दिन PET होता है जिस भी बैच का, जिस भी जोन में, शाम को वो एक उसके बारे में नोटिस भेजते हैं अपने RRC को, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को, कि आज कितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने कैंडिडेट्स पास कर पाए, और कितने कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो गए या फेल हो गए। और वो जो नोटिस भेजते हैं, वो जो सर्टिफिकेट वो भेजते हैं, वो RRC की वेबसाइट पे, नोटिस बोर्ड पे, सॉरी वेबसाइट पे नहीं, RRC का जो ऑफिस है उसमें जो ऑफिशियल नोटिस बोर्ड है वहाँ पे उसका एक पेज चिपकाया जाता है। तो अगर आप RRB RRC के नज़दीक में रह रहे हैं, उसकी ऑफिस का एड्रेस आपको पता है, तो जिस दिन आपका PET हुआ है, अगर उसके नेक्स्ट डेट में आप जाएंगे मॉर्निंग में 10-11 बजे के करीब जाएंगे, तो आपको उस नोटिस बोर्ड पे ये रिजल्ट आपको मिलेगा। नॉर्मली एक दिन के लिए ये शो होता है, तो आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पे जाएं, और जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नोटिस बोर्ड पे चिपका हुआ रिजल्ट मिलेगा, जैसे जयपुर का हमने आपको दिखाया था, तो ये जोधपुर स्टेडियम में जो हुआ था। तो जो अगर आपको इस तरीके से देखना है तो आपको नोटिस बोर्ड पे जाना होगा, वहाँ के ऑफिस में आपको जाना होगा, वहीं से आपको मिलेगा। एक्चुअल में और एक तरीका है जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिस दिन
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है किसी बैच का, शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम रिजल्ट जब बनाया जाता है वहीं पे, तो अगर वहाँ के ऑफिसर्स जो हैं या ऑफिशियल्स जो हैं, अगर वो कोऑर्डिनेटिंग नेचर के हैं, तो आप अगर उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको रिजल्ट दिखा देंगे इस तरीके से, जो एक टेबल बना करके वो आरआरसी को भेजते हैं, वो आपको शो कर सकते हैं। बट ये उनके बिहेवियर पे निर्भर करता है कि वो कितने कॉर्डियल नेचर के हैं। जिस दिन आपका पीईटी हुआ है, अगर आप शाम तक रुक जाते हैं और शाम को जब वो रिजल्ट बना चुके होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको इसको शो कर सकते हैं, आप इसको उनसे देख सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं कि आज किस बैच में कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए, कितने डिसक्वालिफाइड हुए और टोटल कितने कैंडिडेट थे। तो इस तरीके से बस यही एक तरीका है। हमारे पास और भी कई जगह का डाटा है, हमारे पास इलाहाबाद का है, हमारे पास चेन्नई का है, मुंबई का भी मिला, चंडीगढ़ का भी मिला, लेकिन दोस्तों ऑथेंटिकेट ना हो पाने के नाते हम अभी उस पर कोई वीडियो नहीं बना पाए। ऑथेंटिकेशन में लगे हैं, जैसे ही पता चलेगा हम कि ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिए, हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि वो आप सभी लोगों का सिलेक्शन करवाएं। गॉड बेस ब्लेस यू दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।